नहीं तो बाथरूम में क्या कर रहे हो आप दोनों? हाँ, बाथरूम में क्या कर रहे हो? और वो लड़की रो क्यों रही है? तो मैं कब से देख रही हूँ, कभी आप लोग इधर छुप रहे हो, कभी आप लोग उधर छुप रहे हो, क्यों? स्लीपर का टिकट लिए थे, जल्दी जल्दी में एसी में चढ़ गए। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टॉप पे जाने वाला है, उतर जाना, ठीक है? इधर आइए, तबीयत खराब है ना आपका, इधर आइए, इधर बैठ जाओ। आ जाओ भाई बहनों, मुझे तो नहीं लग रहा। भाई बहनों देखो, यहाँ पे पुलिस घूम रहा है, ठीक है, और वो लड़की रो रही है। पकड़े गए, पूछताछ हुआ तो बहुत दिक्कत होगा। दोस्त हो? नहीं, मुझे दोस्त भी नहीं लग रहा, दोस्त एक लग रहा। नहीं ना, अभी भाई बहन बोलते, दोस्त बन गए अभी। क्या हो? देख ले भाई, नेक्स्ट स्टॉप पे जाने वाले, पुलिस पकड़ लेगा, बता रहा हूँ मैं। गर्लफ्रेंड हो? सही सोच रहे। अच्छा, तो आप लोग घर से भागे हुए हैं, है ना? है ना, घर से भागे हो ना? कहाँ जा रहे हो? मुंबई जा रहे हो? मुंबई जा रहे हो? मुंबई में जॉब करते हो क्या? दोस्त के यहाँ। दोस्त के पास जा रहे हो? अच्छा, तो वहाँ पे जॉब है क्या? पढ़ाई कर रहे हैं अभी तो। कहाँ, मुंबई में? नहीं, यहीं कर रहे। यहीं पढ़ाई कर रहे हो? क्या करते हो पढ़ाई में? बीए फर्स्ट। और वो? दोनों साथ में पढ़ते हो, इसीलिए प्यार हो गया? उससे पूछो, उससे। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो? बताइए मैम। रो मत, बताओ। अरे रो मत। अच्छा भाई, तू ही बता दे, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो? केयर भी करता है। बहुत केयर करते हो? अच्छा, तो उनकी तबीयत खराब है बहुत, उनको उल्टी उल्टी मन लग रहा है। कई लोगों को होता है, बस में, ट्रेन में, कार में सूट नहीं करता। अभी ये उल्टी कर देगी तो आप अपने हाथ से इसका उल्टी साफ करोगे? नहीं। सोचो। और तुम्हारी मम्मी, जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारा उल्टी, तुम्हारा बाथरूम, तुम्हारा हर चीज तब तक साफ की जब तक कि तुम चलने लायक ना हो जाओ। आप लोग भाग रहे हो, वो डर रही है, आप परेशान हो, आप इतने पढ़े भी नहीं हो, अभी आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है, कोई जॉब भी नहीं देगा, कोई जॉब भी नहीं देगा, आपकी भागने की उम्र नहीं है ये। अभी आप भाग रहे हो जब आपकी पढ़ने की उम्र है, जब आपकी कॉलेज कंप्लीट होगी, जॉब करने की उम्र होगी, तब तक आपके बच्चे हो चुके होंगे, और जब तक सही उम्र होगी शादी करने की, तब तक आपकी करियर खत्म हो चुका होगा। फिर कहते फिरोगे सबको कि यार बचपना में गलती हो गया, नादानी हो गया, है ना? ट्रू लव है ना आपका? अच्छा, घर से क्या बोल के निकले हो? घर वाले परेशान नहीं हो रहे होंगे? दोस्त के यहाँ जा रहे हैं बर्थडे में, सुबह तक आ जाएंगे ये कॉलेज। अच्छा, सुबह तक आ जाएंगे, बर्थडे में जा रहे हैं। क्या करते हैं पापा आपके? होटल में कुक है, खाना बनाते हैं। होटल में कुक है, खाना बनाते हैं। कितनी सैलरी है? 10,000। इनका जूता देख। आपका जूता कितने का है? बहुत महंगी कंपनी है वो। पापा दिए? मतलब आपके पापा आपके हर शौक पूरा करते हैं। कल जब उनको मालूम चलेगा, आप दोनों के माता पिता को, कि आप दोनों घर से फरार हो गए हो, वो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेंगी, कितना रोएंगी, कितना परेशान होंगी। अंदाजा है आपको? क्या बीतेगा यार उनपे यार? ये आप लोगों की सही उम्र है भागने की? आप लोगों को मम्मी पापा की याद नहीं आ रही? एक घंटे से आप लोगों को देख रही हूँ मैं, आप लोग खुश रह पाओगे? अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। देखो ट्रेन रुक रहा है, वो लड़की गई क्या? चले गई। आप देखो, वो लड़की को मैं जानती नहीं हूँ, आपको भी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे समझाने पे वो लड़की उतरने को तैयार है। रो मत बाबू, रो मत। वो लड़की उतरने को तैयार है। सोचो, जब उसके माता पिता उसको कल सीने से लगाएंगे, रोएंगे, और उनको ये बोलेंगे कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर, और वो कंप्लेन लिख दी कि आपको बहला फुसला के आप उसको लेके भाग रहे थे, तो आपकी करियर तो वैसे भी चौपट हो जाएगी। 5-6 साल के लिए जेल जाएगा। रो मत, रो मत।
रोने से कुछ नहीं होगा या आपकी सही उम्र नहीं है भागने की? अभी भी टाइम है भाई, देख ले। अगर आपका ट्रू लव है तो आप वेट कर सकते हो, पढ़ाई कर लो, नौकरी कर लो, उसके बाद शादी कर लेना, भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अभी ट्रेन रुक गया लगभग स्टेशन पे आ गया, देख लो भाई। उसको भी घर छोड़ दो, एक घंटे में घर पहुंच जाओगे अपने।